भारत की आधी आबादी का हुनर अब हर जगह दिखने लगा है। देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की कामकाजी महिलाओं, खासकर कारोबारी महिलाओं ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इस बात का अंदाजा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में महिला उद्यमियों की भागीदारी को देखकर लगाया जा सकता है। जी हां, उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं को मिलने वाला प्रोत्साहन और सम्मान है। यही वजह है कि शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी तमाम चुनौतियों को पार करके लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। यूपी में स्टार्टअप शुरू करने में महिलाएं देश में दूसरे पायदान पर हैं। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, जबकि राजधानी दिल्ली तीसरे स्थान पर है। एक तरह से पूरे उत्तर भारत में यूपी अव्वल नंबर पर है। यूपी में कामकाजी महिलाओं की बात करें तो प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की संख्या पिछले 6 साल के दौरान दोगुनी से भी ज्यादा हुई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी PLFS यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक यूपी की कुल महिला आबादी में से अब 32.10% कामकाजी महिलाएं हैं। साल 2017-18 में ये आंकड़ा 14.20% ही था। 2017-18 में राष्ट्रीय स्तर पर महिला श्रम शक्ति की भागीदारी 25.30% थी, यानी उत्तर प्रदेश से 11.10% ज्यादा। 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक ये अंतर 7.70% ही बचा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये संख्या दोगुनी हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा जारी PLFS यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में कामकाजी महिलाओं की संख्या शहरों की तुलना में दोगुनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में 36.50%, जबकि शहरी इलाकों में 15.20% महिलाओं को काम मिला। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछले 6 वर्षों के दौरान करीब 1,89,789 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए, 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया, 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को PM स्वनिधि योजना का लाभ मिला, सभी 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में BC सखियों की नियुक्ति की गई, सरकारी नौकरियों में 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को नियुक्तियां मिली। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है कि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंचे, जिससे यूपी की महिलाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की लखपति दीदी जैसी तमाम योजनाओं का लाभ उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्त होने की एक बड़ी वजह सुरक्षित माहौल भी है। महिलाओं के मन में ये विश्वास जगा है कि वे घर से निकलकर किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं। साथ ही प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक बहुत बेहतर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उभरा है, क्योंकि लैंड ऑर्डर सिचुएशन बेटर हुई है और लोग ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश एक सेफ और सिक्योर डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उनकी योजना जो ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये उसी का कमाल है जो आप कुछ देख रही है। अभी तक इन लोगों के पास अपना कोई प्लेटफार्म नहीं था कि अपने प्रोडक्ट को तो बनाएं, लेकिन कहाँ डिस्प्ले करें, कहाँ उसको कंपिटेटिव भावना से रखें, कहाँ उसका प्रयोग हो। तो ये अपने आप में मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मंत्री जी ने ये बहुत बड़ा प्रयास किया है कि उनको एक डिस्प्ले करने का, अपने प्रोडक्ट को एक मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षित वर्क स्पेस से लेकर सड़कों तक जिस प्रकार से सुरक्षा का माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है, उससे महिलाओं का भरोसा बढ़ा है और यही वजह है कि शहर से लेकर गांव तक इसका असर दिखाई पड़ रहा है।
महिलाएं स्वावलंबी बनी। क्यों? क्योंकि उनके मन से डर निकल गया, भय निकल गया। और आज महिलाएं 12 बजे रात को भी, दिन में भी अंदर से बाहर जा आ रही, उनको कोई डर नहीं है। महिलाएं आगे आ रही हैं और कुछ मोटिवेट भी हो रही हैं, सरकारी प्रयास से वो बाहर निकल के आती हैं। और साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था पहले से दुरुस्त हुई है, उसका हमें भी फ़ायदा मिल रहा है, सारी इंडस्ट्री को मिल रहा है। और पुलिस की गश्त लगती है, मार्केट में लगती है, पूरी ग्रुप बना के चलते हैं, तो ये सारे एक अपने आप में एक फील गुड फैक्टर डेवलप हुआ है। महिलाओं को औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से फायदा मिला है। कामकाजी महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों का बढ़ना है। इसके अलावा नया कारोबार शुरू करने की इच्छुक महिलाओं को दी जाने वाली रियायतें भी एक वजह हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी महिलाओं के नए उद्योग शुरू करने पर कई अतिरिक्त रियायतों का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति की वजह से भी इस संख्या में बढ़ोतरी हुई है। देश की आधी आबादी ने अपने हुनर और कौशल का समय समय पर लोहा मनवाया और इस बात की मिसाल एक बार फिर देखने को मिली यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में, जहां महिला उद्यमियों ने साबित कर दिया कि वे अपने हुनर और कौशल और कड़ी मेहनत से न केवल खुद स्वावलंबी बनी बल्कि उन्होंने कई महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनने में मदद की। और इस बात का श्रेय वो देती हैं प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को और साथ ही उनकी कड़ी मेहनत को। देश के सबसे बड़े सूबे में तेजी से हो रहे विकास के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 5 दिन तक चले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक समापन हुआ। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी के उद्यमियों का महाकुंभ चला, जिसमें महिला उद्यमियों की भी बढ़ चढ़कर भागीदारी रही। ट्रेड शो का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 80 से ज्यादा देशों से 500 से ज्यादा विदेशी निवेशक शामिल हुए। प्रदेश के पारंपरिक कारीगर समेत विभिन्न विभागों के करीब 2500 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। इसमें भारत के साथ वियतनाम साझीदार देश के रूप में शामिल हुआ। उद्घाटन के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को देखकर ऐसा लगता है कि मैं दुनिया के सबसे विकसित देश में हूँ। This is an absolute delight to be at the inaugural ceremony of the second edition of UP International Trade Show 2024. I had the good occasion to go around and see for myself. There could not be a greater assurance for a man like me that all is well, things are in right track. What I witnessed was beyond my concept, imagination and dream. I felt I was in the most developed country in the world. This is indeed a very well thought out platform that not only showcases what is there in India, in Uttar Pradesh, it affords an opportunity for people to snatch those opportunities, to be in touch with the best minds, the artisans, the skilled workers, the products, and personally flourish. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कारोबार में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले से 4 उद्यमियों को शामिल किया गया। इनमें 2 महिला उद्यमियों को प्राथमिकता पर शामिल करने को कहा गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। एमएसएमई की 96 लाख यूनिट उत्तर प्रदेश में है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के बाद से कारोबारियों को उचित प्रोत्साहन न मिलने की वजह से कई कारोबार बंदी की कगार पर पहुंच चुके थे। साथ ही हस्तशिल्प को समय पर टेक्नोलॉजी न मिलने की वजह से वो भी बंदी के कगार पर पहुंच चुकी थी, लेकिन साल 2017 के बाद यूपी ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है। इसमें एमएसएमई सेक्टर की बड़ी भूमिका है, जिससे महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या जुड़कर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का राज्य तो है ही, लेकिन यह एमएसएमई की सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। 2017 के पहले यह मृत प्राय सा था, इसका अपना एक लंबा इतिहास है, कोई 500 वर्षों से, कोई 300 वर्षों से, कोई 200 वर्षों से, कहीं पे 100 वर्षों से अधिक समय से अलग अलग क्षेत्रों में यह ट्रेडिशनल प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने इन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था, लेकिन आज़ादी के बाद उचित प्रोत्साहन के अभाव में उन्हें समय पे टेक्नोलॉजी न मिलने, समय पे वह समय के अनुरूप उन्हें उस उचित प्रोत्साहन न मिलने के परिणाम स्वरूप वे लगभग बंदी के कगार पर पहुंच चुके थे। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सभी 75 जनपदों का कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा और उसके प्रोत्साहन के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया, वही आज देश के अंदर ODOP के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। और आज इसने उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। अलग अलग तरह के बिजनेस में हाथ आजमा रही महिलाओं का कहना है कि इस तरह के मंच से न केवल उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके काम को पहचान मिलने का रास्ता खुलता है, जिसका श्रेय प्रदेश की सरकार और भारत सरकार को जाता है। आज महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और आज ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज महिलाएं सशक्त होके और हम जैसी महिलाएं लोगों को सशक्त बना भी रही हैं। मेरे साथ करीबन 150 महिलाएं जुड़ी हैं। एक छोटा सा बुटीक खोला था जिसमें एक टेलर और 2-3 वर्कर्स के साथ काम शुरू किया था, लेकिन ये MSME में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मुझे ODOP स्कीम के बारे में पता चला। उनसे, उनकी हेल्प से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ पे एग्जीबिशन की, उससे काफ़ी क्लाइंटेज बनी और इस साल भी कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया था 2006 से, मैं हूँ बिजनेस में और महिलाएं हमारे पास करीब जो हैंडमेड काम होने की वजह से मेरे पास घरेलू महिलाएं बहुत सी जुड़ी हुई हैं जो अब मेरा काम घरों में ले जाके करती हैं, जैसे बिनाई का काम,
पेंटिंग का काम, टूलिंग का काम, ये सब घरों में होता है। उसमें अप्रॉक्सीमेट 40 से 50 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैं इसके पहले जॉब करती थी, लेकिन कोरोना पीरियड में मैंने इस काम को स्टार्ट किया अकेले से, और उसके साथ मैंने धीरे धीरे मुझे इस काम में इंटरेस्ट आने लग गया, और फिर मैंने गाँव की लेडीज़ को निकाला और उनको अपने यहाँ सिखाया और उनको अपने यहाँ वर्क पे ही रख लिया। तो आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और लगभग 4 साल से आप काम कर रही हैं, और अभी आपके स्टाफ में कितने लोग हैं, कितने लोगों को आपने रोज़गार दे रखा है? मैंने 35 लेडीज़ को रोज़गार दिया हुआ है इस समय। मैं ये लिपन आर्ट करती हूँ। ये लिपन आर्ट जो है बेसिकली गुजरात से है, लेकिन हमारे आज के आधुनिकता के टाइम में ये पुरानी चीज़ें, प्राचीन चीज़ें जो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रही हैं, तो इन चीज़ों को, इन पुरानी चीज़ों को एक नए रूप में, मतलब मैं नए रूप में लाना चाहती हूँ, तो इसलिए इसमें मंडाला, मधुबनी पेंटिंग और लिपन आर्ट तीनों को मिक्स करके समथिंग फ्यूजन, कुछ नया बना रही हूँ। तो आपको कब ये ख्याल आया कि मुझे कुछ अपना भी करना है काम? क्या शुरू से आप बिजनेस में थी, या फिर आप पढ़ाई लिखाई करके हाउसवाइफ थी? आपको कब लगा कि कुछ काम करना चाहिए? मैं हाउसवाइफ थी शुरू से ही, मुझे इंटरेस्ट शुरू से था पहले, लेकिन पहले मुझे लगा पहले परिवार ज़रूरी है, तो मैंने पहले परिवार को प्राथमिकता दी कि बच्चे बड़े हो जाएँ, सेटल हो जाएँ, उसके बाद अपने शौक़ को पूरा किया जाए। ये मेरा शौक़ था, बचपन से शौक़ था, पर कहीं ना कहीं परिवार के बीच में ये शौक़ थोड़ा दब गया था, लेकिन अब जब परिवार सेटल हो गए, बच्चे सेटल हो गए, तो मैंने अपने शौक को स्टार्ट किया, एक पैशन है जिसको मैंने स्टार्ट किया। कई महिला उद्यमियों को पहले भी इस तरह के मौके मिलते रहे हैं, लेकिन इस व्यापार मेले को उन्होंने भविष्य की राह दिखाने वाला बताया। वहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी ये मान रही है कि इस तरह के ट्रेड शो से प्रदेश की ग्लोबल छवि बनती है, साथ ही सरकारी सहयोग में निजी क्षेत्रों की भागीदारी से विकास को गति मिली है। हमारे पास दिव्यांग बच्चे, मूक बधिर बच्चे हैं, जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप लोग कर सकते हो और हम लोग नहीं कर सकते हो। उनकी इसी चीज़ को निखारने के लिए हम लोग एजुकेशन के साथ साथ उनको हाथ की कुछ चीज़ें ऐसी सिखा रहे हैं कि ये बच्चे इज्जत मान सम्मान से अपना जीवन यापन कर सकें। तो आपको गवर्नमेंट की कौन सी वो स्कीम्स हैं जिसका आपको लाभ मिला, और जिसके कारण आपको लगता है कि यहाँ तक आप पहुँची हैं, और ये सफ़र की शुरुआत में कौन सी चुनौतियाँ आपको सामना करना पड़ा, क्या क्या आपको लाभ मिल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक चुनौतियों की बात है, तो हर अच्छे काम में कुछ ना कुछ चुनौतियाँ आती ही आती हैं, और लेकिन हमारी हिम्मत हमारे प्रदेश सरकार ने तब बढ़ाई जब हमको रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से 2018 में सम्मानित किया गया, और ऐसा लगा कि आगे बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से CM सर को, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे 20 बच्चों को जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, और शायद जिन्होंने कभी ट्रेन में भी सफ़र नहीं किया होगा, उनको सिंगापुर एक लर्निंग एंड ट्रेनिंग यात्रा में उनको भेजा गया, और वहाँ से आके जो हमारा मनोबल बढ़ा, जो उन बच्चों का विजन ओपन हुआ, वो देखने लायक है। आपसे जानना चाहेंगे, ये गाय के गोबर से आपने पेंटिंग बनाई है, किस तरह से काम करती हैं और कितने लोग आपके साथ इसमें हैं? हमारे पास साथ कई सारी लड़कियां जुड़ी हुई हैं जो सब मिलकर ये काम करती हैं। वो एक बोल्ड लेकर उस पर गाय के गोबर को बेस देके फिर उस पर नेचुरल कलर से वर्क किया जाता है। अच्छा, आपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की भी पेंटिंग बनाई है, ये कब बनाई थी आपने, और किसने बोला था, ये आपके मन में क्यों आया? बस हमें लगा वो भी इस तरह से ये मतलब सहयोग देते हैं, तो उनको भी कुछ गिफ्ट करना चाहिए, ये सोच कर ही उनकी पेंटिंग बनाई थी बस। हम 500 महिलाएं के साथ मिलके इसको काम करते हैं, और साल भर में ये एक बार मिलता है, नदी के किनारे उगता है, उसको हम खरीदते हैं तो रख लेते हैं साल भर के लिए। तो हम 500 महिलाएं के साथ मिल के काम करते हैं, इकट्ठा जहाँ मेला वोला लगता है वहाँ हम ले आते हैं, बेचते हैं। ये हमने वुडन का काम अभी जनवरी से स्टार्ट किया है, इसी साल, अभी एक साल पूरा नहीं हुआ है। अभी इसमें हमारे सब फैमिली के ही मेम्बर हैं, और बाहर का कोई भी हमने भी इन्वॉल्व नहीं किया, ये स्टार्टिंग है ये हमारी, अभी तो अभी एक साल हुआ नहीं है इसको करने में, और धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ेगा ऐसे फिर और हम मेम्बर्स को जोड़ेंगे। मैंने ये एक साल पहले स्टार्ट किया था, इसे क्रोशे कहते हैं, तो ये मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा एज अ हॉबी था ये, मैं अभी एक ही साल हुआ है, बट देन इसकी डिमांड बहुत अच्छी है मार्केट में, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया था। 2018 से हम बना रहे हैं मोमबत्ती, पहले सादा बनाते थे, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, ट्रेड शो में गए हैं, कई जगह प्रदर्शनी में गए हैं, उसी के माध्यम से हमें अनेक प्रकार की जानकारी मिली है, अनेक डिजाइनों के कंडल बनाने के लिए हमें जानकारी मिली, हम देखें उसमें जाकर, उसके बाद हमें अपना हम
कर रहे हैं। हमारे ऐप पे आप अपनी ऑनलाइन शॉप बना के सामान बेच सकते हैं, जैसे अदर प्लेटफॉर्म है अमेजोन फ्लिपकार्ट, उस टाइप से हमारा भी ऐप है। लेकिन अदर प्लेटफॉर्म पे ना आपको, आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो 30-40% कमीशन देना होता है, लेकिन हमारे ऐप में ऐसा नहीं होता है। केवल एक ईयरली प्लान होता है 2K का, 2000 रुपये का, और उसके बाद आपकी शॉप बन जाती है, आप अपना सामान बेच सकते हैं विदाउट एनी कमीशन। इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से MSME, खादी और ग्रामोद्योग, हैंडलूम और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े उद्योगों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। सम्मानित किए जाने वालों में विभिन्न कैटेगरीज में प्राइज जीतने वाली कंपनियों के ओनर शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ के प्रदेश को आगे ले जाने के प्रयासों की सराहना की, साथ ही कहा कि भारत सरकार भी लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे कारोबारियों को व्यापार करने में सहूलियत हो, साथ ही निवेश बढ़े और देश के बाहर भी निवेश के रास्ते खुलें। MSME सेक्टर बड़ा सेक्टर है और कृषि के बाद सबसे रोजगार देने वाला सेक्टर MSME सेक्टर है। MSME सेक्टर के जो सर्वे हुआ था उसमें लगभग 96 लाख इकाइयाँ MSME की उत्तर प्रदेश में थी, जिनका उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से एक हम लोगों ने मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना से 5 लाख की सहयोग की राशि को कवर किया और तमाम जगह जो MSME के टेंडर होते थे उन पर MD न लगाना, उन पर छूट देना, लोन में छूट देना, तो अब रजिस्ट्रेशन भी हमारे लगभग 24 लाख से 12 लाख से बढ़ के 24 लाख उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हुए। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में न केवल एग्जीबिटर्स के कारोबार को बूम मिला बल्कि ग्रेटर नोएडा की होटल इंडस्ट्रीज को भी जबरदस्त फायदा हुआ। ट्रेड शो के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था जिसमें प्रदेश के कई जिलों के रंग देखने को मिले। भव्य आयोजन के दौरान देश विदेश से आए मेहमानों ने उत्तर प्रदेश के व्यंजनों का भी जायका लिया। साथ ही कारोबारियों, खासकर महिला कारोबारियों ने अपने डिस्प्ले और प्रोडक्ट से विदेशी बायर्स को आकर्षित किया। ODOP MSME से जुड़े उत्पादों के अच्छे ऑर्डर भी मिले जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, क्यूबा और कंट्री पार्टनर वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिलने से कारोबारियों में नई ऊर्जा और उत्साह देखते बन रहा था। वहीं नए कारोबारियों ने इस इंटरनेशनल ट्रेड शो का पूरा लाभ उठाया। साथ ही ऐसे अवसर उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार का आभार जताया। Watch more programs of Sansad TV. Subscribe to our YouTube channel. And don't forget to like and share them.